बात कर रहे हैं हम लोग दो ऐसे शख्सियतों से थे जो बहुत ज़्यादा आज माने जाते हैं। पहले हम बात करें महेंद्र सिंह धोनी से, ठीक है। हम महेंद्र सिंह धोनी की बात कर रहे हैं, आपने इनको देखा हुआ है, ठीक है। और इनके हाव भाव में आपको क्या समझ में आता है, जैसे आप इस अगर फोटो को आप देख रहे हैं या आप इस फोटो को देख रहे हैं या आप किसी भी फोटो का अगर आप एम एस धोनी का देखते हैं तो सबसे मेन चीज़ आपको क्या समझ में आ रही है? क्रिकेटर। हाँ, वो बहुत काम रहते हैं, ठीक है। दूसरा आपको क्या समझ में आ रहा है कि कभी उनको टेंशन में देखा ही नहीं, ठीक है। टेंशन तो होती है, ऐसे कैप्टन आपको बहुत टेंशन आपको फेस करनी पड़ती है, ठीक है। तीसरा है कि ये टीम को बांध के चलाने वाले जो लोग हैं उनमें से ये बहुत पॉपुलर माने गए कि टीम को बांध के चलाते और रिजल्ट भी ये निकाल सकते हैं। आज के हमारे जो थीम पर्सन है वो है महेंद्र सिंह धोनी, ठीक है। एम एस धोनी के इन्हीं कारणों से जो वर्ल्ड कप इंडिया को जो रिसीव हुए इंतजार वो एम एस धोनी के कारण ही रिसीव हुए। तो एम एस धोनी के इन गुणों के कारण ही आज एम एस धोनी का जो मुकाम है वो मुकाम आज शायद ही कोई हासिल कर सके। हमें आज एम एस धोनी को हमने अपना ब्रांड एम्बेसडर क्यों चुना आज के लिए, इसका कारण है कि आज हम लोग अपने स्किल सेट पे काम कर रहे हैं, क्योंकि एम एस धोनी एक अच्छे क्रिकेटर तो है पर उनका स्किल सेट उससे भी बेहतरीन है। इस कारण से सफल कप्तान, सफल क्रिकेटर और अपने फैमिली में भी बहुत सफल वो है अपने बीवी बच्चों के लिए, और बिजनेस भी वो चलाते हैं उसमें भी काफ़ी सफल होंगे। तो आज हम लोग स्किल सेट पे बात कर रहे हैं और स्किल सेट क्या होता है ये मैं आपको बताऊंगा, और आईटी कंपनी में कितने स्किल्स की ज़रूरत आपको पड़ती है आज हम लोग ये भी डिस्कस करने वाले हैं। तो सीधी सी बात है, हर इंसान चाहता है कि एम एस धोनी टाइप का कोई एक ब्रिलियंट बंदा हमें मिले जो हमारी कंपनी को आगे ले जाए। कोई भी इंसान डूबते हुए सितारे पर पैसा इस दुनिया में नहीं लगाता, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बोलिए।